हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सोल्स एकेडमी। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। तो हम लोग ऑलरेडी पहले दो लेक्चर के अंदर थियरी देख चुके हैं, उसके जो परफॉर्म है, किस तरह से उसका टेबल बनाया जाता है वो हमने देख लिया, कौन कौन से अकाउंट होते हैं वो भी हमने देख लिया लास्ट के दो लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल सम्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज, केयरफुली क्वेश्चन को सुनना है आपको, देखना है किस तरह से कौन सी एंट्री कहां पे आती है और किस तरह से सम सॉल्व होता है। तो पहले मैं इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है वो एग्जांपल को रीड करता हूं। उसके अंदर दो पार्टनर्स है, क्या क्या उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन, आनंद एंड भरत आर द पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:3। आनंद और भरत दो पार्टनर है, दोनों ने डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको 2:3 के रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो ये हमारा जो है बेसिकली क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है। उसके आगे क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस 60,000 बाय आनंद एंड 30,000 बाय भरत। जो कैपिटल बैलेंस है, बोलो कैपिटल कितना लेके कंपनी में आए हैं, एक लाया है 60,000 और एक लाया है 30,000। एक 60,000 लेके आया, एक 30,000 लेके आया, ड्राविंग कर रहे। ड्राविंग क्या होता है, मैंने बताया था, पर्सनल यूज के लिए वो लोग पैसे निकालते हैं। 12,000 रुपया और 10,000 रुपया वो लोग ने निकाला, यानी 12,000 रुपया आनंद ने, 10,000 रुपया भरत ने पैसे निकाला। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 12%। जो भी कैपिटल होगा, कैपिटल क्या है, जो भी पैसा वो लोग ने डाला उस पर कंपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है, वो लोगों को उनकी कंपनी उनको पे करेगी, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है 10% और ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 12% पर एनएम है। आनंद गेट्स सैलरी ऑफ रूपीज 2,500 पर मंथ। आनंद को हर महीने 2,500 रुपए सैलरी मिलती है कंपनी से, जो हम लोग ने लास्ट टाइम परफॉर्मेंस में देखा भी था कि सैलरी होती है, कमीशन होती है। भरत को कमीशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3%। 3% ऑफ व्हाट, 3% ऑफ 5 लाख, जो उनका टोटल सेल्स हो रहा है उसका 3%। फर्म प्रॉफिट इज 60,000। फर्म कितना प्रॉफिट कर रहा है, 60,000 प्रॉफिट कर रहा है। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर आपको फिक्स कैपिटल मेथड बनाना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाना है। तो हम लोग देखेंगे पहले फिक्स कैपिटल मेथड, जिसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने होते हैं। तो इतना चीज आज हम देखने वाले हैं और हम लोग तीसरा भी अकाउंट देख लेंगे, फ्लक्चुएटिंग भी देख लेंगे। तो एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। एंट्री किस तरह से, पहले आपने क्वेश्चन में देखा कि 2:3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको अभी क्लियर रहने देते। हम लोग क्या करेंगे कि पहले बैलेंस कैरी डाउन, पहले वो लोग कितना रुपया लेके आए हैं कंपनी के अंदर, वो लोग कंपनी के अंदर लेके आए हैं टू बैलेंस कैरी डाउन कितना रुपया है, 60,000 रुपया आनंद ने लाया और 30,000 रुपया कौन लाया, 30,000 रुपया भरत ने लाया। फिर उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा, 60,000 और 30,000। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था किस तरह से बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन का मतलब क्या होता है। फिर इसका टोटल वही आ जाएगा, 60,000 और 30,000, इसका जो टोटल है वो आप लिख दोगे, यहां पे भी 60,000 30,000 आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नीचे भी आपका सेम चीज आएगा, इसके नीचे भी आप 60,000 30,000 लिख के अकाउंट को क्लोज कर दोगे। तो मैंने आपको बताया था जब बात होगी कैपिटल अकाउंट की, उसके अंदर सिर्फ ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन वाली चीजें आती है, आपका कैपिटल अकाउंट पूरा हो चुका है। असली जो आपका चेंजेस आता है, जो आपका एडजस्टमेंट वगैरह आता है, वो आता है करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में वो चेंजेस आता है। तो करंट अकाउंट में देखेंगे क्या क्या एंट्री पास हो रही है और क्यों पास हो रही है। तो करंट अकाउंट में आप क्वेश्चन को वापस से अगर आप देखोगे, आगे क्या लिखा हुआ है, देयर ड्रॉविंग्स आर 12,000 एंड 10,000। क्या हुआ, एक आनंद ने 12,000, भरत ने 10,000 रुपया क्या किया, वहां से निकाल लिया। तो इसमें क्या होगा, 12,000 और
10,000 निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, 2 ड्रॉइंग अकाउंट, कितना निकाला 12,000 निकाला आनंद ने और 10,000 निकाला भरत ने। क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी ड्रॉइंग किस साइड आएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ऑलरेडी। उसके बाद आगे क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट जो है, ड्रॉइंग तो निकाल लिया, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पे कितना परसेंट कैपिटल है वो लोग का 10%, 10% कैपिटल होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, जो चीज कंपनी पे करेगी वो चीज इस साइड आएगा, जो चीज कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना, यह आएगा 6,000 और यह आएगा 3,000। यह अमाउंट कैसे आया, 10% किसका, 60,000 का और 30,000 का 10% निकाला है, जो भी कैपिटल वो लोग लगाए थे उसका 10%। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 60,000 ले लिया, 60,000 का कितना निकालना है 10% और 30,000 के क्या निकालना है 10%, तो आंसर कितना आएगा 6,000 और 3,000। आपको ये माइन्यूट कैलकुलेशन है ये आती होगी, 10% दोनों का निकाल लिया, वो चीज आपकी आ गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग टू बी चार्ज 12% पर एनएम। अब ड्रॉइंग की बात करेंगे, ड्रॉइंग का क्या हो गया, ड्रॉइंग का जो भी होगा उसका इंटरेस्ट है 12% पर, तो इंटरेस्ट ऑन जहां पे ड्रॉइंग आएगा उसके साथ ही उसका इंटरेस्ट आएगा हमेशा, हमेशा जब हम ड्रॉइंग अकाउंट जहां पे लिखेंगे उसका इंटरेस्ट भी उसके साथ हमेशा आने वाला है, जो जाएगा 720 और 600। अब देखेंगे कि ये अमाउंट कहां से आया और कैसे आया, ये अमाउंट की कैलकुलेशन हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, जैसे कि ये है आनंद, आनंद है, आनंद ने 12,000 रुपए निकाले थे और भरत ने 10,000 रुपए निकाले थे, उन लोगों ने 12% बोल रहा था, दोनों में 12% था। अब आपको लगेगा यहाँ पे मैंने 6/12 क्यों लिखा है, तो मैं आपको बता दूं अगर ड्रॉइंग में कोई भी ईयर मेंशन नहीं है तो आपको 6 महीने ही लेने हैं, 6 महीने यानी 12 में से 6 महीने, 12% निकालना है 12/100। उसको जब आप कैलकुलेट करोगे, अब पूरा जब कैलकुलेट करके आंसर लेके आओगे तो यहाँ पे आएगा 720 और यहाँ पे आएगा 600। अभी इतना माइन्यूट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 00 कट, यहाँ पे 00 कट, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, इसको डिवाइड, इसको इंटू करोगे 100 × 6 600 आएगा, 200 × 12 × 6 कितना आएगा, 6 1 जा 6 2 जा 1 जा 6 जा, एकदम इजी कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। यहाँ पे इंटू करने के बाद आएगा आपको 720, यहाँ पे आएगा 600, तो 720 और 600 ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिख दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग आपको कैलकुलेट करने आप आता है, आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम उसी तरह से वो आएगा। अब आगे देखते हैं, कैपिटल हो गया, सैलरी पे किया हुआ है, तो भाई सैलरी, सैलरी कितना पे किया हुआ है, सैलरी अकाउंट में सैलरी कितना पे किया है, सैलरी है कितना 30,000, 30,000 कैसे आया, क्या बोला सैलरी कितना है, सैलरी कितना 2,500 पर मंथ है, तो 2,500 पर मंथ है, 2,500 पर मंथ है, तो उसको पर ईयर निकालना होगा, इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, तो पूरे साल का सैलरी लिख दिया आपने। फिर क्या आएगा, सैलरी दिया है कंपनी ने, कमीशन भी दिया है कंपनी ने, लेकिन कमीशन किसको दिया है, आनंद को दिया है, भरत को नहीं दिया है, भरत का हम लोग ने ये लिख दिया, सॉरी भरत को दिया है, आनंद का हम लोग ने 30,000 ऑलरेडी लिख दिया, भरत को क्या दिया है, भरत को 5 लाख पे 3%, 5 लाख का 3% कितना आएगा, 5 लाख का 3% 15,000, 15,000 क्या हो गया इसका, 15,000 कमीशन हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया ये, कमीशन जो भी पे किया है, कमीशन के बाद क्या हुआ, उसके बाद लास्ट आप लाइन देखोगे क्वेश्चन का, लास्ट लाइन का क्वेश्चन क्या लिखा है, उन लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ है, फॉर्म्स का प्रॉफिट कितना है 60,000, 60,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो बाय प्रॉफिट कितना आएगा, बाय प्रॉफिट, एक चीज को याद रखना, जो बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट टोटल है 60,000, हमको पता है वो चीज, लेकिन हमको उसको लिखना कैसे है, 2:3 में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है,
पहले ही लाइन लिखा है, क्या लिखा है, आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2:3, तो 60,000 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो एक बार 2 अपॉन 5 करोगे, एक बार 3 अपॉन 5 करोगे, इसके इंटू करते चले जाओगे, तो जो आपका आंसर आएगा, आंसर किस तरह से आएगा, एक का प्रॉफिट आएगा 24,000 और एक का प्रॉफिट आएगा 36,000। तो इतना आपका आने वाला है। तो ये आपका करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एकदम ध्यान से एक चीज देख लेना, इसको ऐड करके आपका 54,000 आंसर आने वाला है। यहाँ पे आपने 54,000 लिख दिया, इसको ऐड करके आपका यहाँ पे 60,000 आने वाला है, या आपने यहाँ पे लिख दिया। सेम ये लिखने के बाद आप यहाँ पे जाओगे, स्टेप्स याद रखो, कभी गलती नहीं होगी आपके अकाउंट में। ये लिखने के बाद सेम अमाउंट आप यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, लिख दोगे, फिर यहाँ पे 54,000 अमाउंट लिख दोगे। अब क्या करना है, अब जब बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कितना बचा, कितना बचा ये आपको निकालना है, टू बैलेंस कैरी डाउन जो लिख रहे हो वो आपको निकालना है कि कितना आएगा। तो आप ये ऐड करोगे, उसमें से इसको माइनस करोगे, जो बचेगा वो अमाउंट इधर लिखोगे। तो माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बच रहा है, 280, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 43400। ये आपका बैलेंस कैरेट डाउन आ गया। कैसे आया देख सकते हो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 0 है, तो माइनस करोगे जब 60,000 में से ये दोनों माइनस करोगे, 12,720 12,720 जब माइनस करोगे 60,000 में से, आपको यह अमाउंट आने वाला है। आप ध्यान से सिर्फ सुनिए, सारे कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाएंगे। कुछ नहीं समझा तो टेलीग्राम का ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्कशन ग्रुप पे आके कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हो। आपका ये सॉल्व हो गया, आपका जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो बन के रेडी है आपके सामने। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखते, उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है, इसमें क्या आएगा, इसमें कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर सारी चीजें मिक्स आती है, इसके अंदर सारी चीजें मिक्स आती है। जब बात फ्लक्चुएटिंग की करूंगा तो सारी चीजें मिक्स आएगी, जब सारी चीजें मिक्स आ रही है तो ऑलरेडी हमको वो चीजें पता है। यहाँ पे टू ड्रॉइंग अकाउंट आएगा, जो जिसका अमाउंट हम लोग को सबको पता है, अमाउंट हम लोग ने लास्ट टाइम क्या क्या कैलकुलेट करके निकाला है, तो अमाउंट हमको सिर्फ फीड करना है इसके अंदर, जल्दी जल्दी जो भी अमाउंट दिखता है हमको हम अमाउंट फीड कर सकते हैं। यहाँ पे 720 था, यहाँ पे 600 था, हमको वो याद है। फिर इसके अंदर बाय बैलेंस, एक ने डाला था 60,000 रुपया और एक ने डाला था 30,000, वो हमको पता है। उसके बाद जो भी बाय इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे किया कैपिटल पे, इंटरेस्ट जो कैपिटल पे कंपनी ने पे किया, एक को 6,000 पे किया था, एक को 3,000 पे किया था, वो हमको मालूम है। फिर बाय सैलरी आएगा इसके अंदर, सैलरी में क्या आएगा, सैलरी अकाउंट में क्या आएगा, सैलरी अकाउंट में 30,000 रुपया सैलरी पे किया था, 2500 × 12 हम लोग ने किया था वर्किंग नोट में। फिर बाय कमीशन अकाउंट है, हमको पता था कमीशन अकाउंट 15,000 आएगा, वो हमको पता है। उसके बाद क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 24 था और 36 था वो हमको पता है। तो गाइज ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए लिया क्योंकि इसके पहले वाला जो हम लोग ने बनाया था, इसके पहले जो हम लोग ने करंट अकाउंट बनाया था उसमें हमने सारी एंट्रीज ऑलरेडी कर दी है, तो इसके अंदर वापस से सेम चीज समझाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने जल्दी से कर दिया। मगर आप अगर वीडियो को स्लोली एक दो बार में देखोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। अगर आपको ये तीन अकाउंट बनाने आ गया ना, तो समझो ये चैप्टर का आपका 50% आराम से आपने कवर कर लिया है और आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगी है। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस आप टोटल करोगे। इसका टोटल कितना आएगा, 1,20,000, इसका टोटल आपका 1,20,000 आ गया, इसका क्या 84,000 आ गया, इसका टोटल आ गया। क्या बोला था, ये टोटल को लेके जाओ यहाँ लिखो, ये टोटल के ले जाके आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये इसको क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे सिर्फ लिख देना है। उसके बाद ये जो आपका अमाउंट है उसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट आ जाएगा, विच इज 1,07,280। यहाँ पे क्या आएगा, 7,34,00। आप कैलकुलेट करके खुद से देख सकते हो,
हर एक चीज कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता, जो मैंने बोला आप कैलकुलेट करोगे तो राइट आंसर आपको आ जाएगा, विच इज योर बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे अमाउंट आ गया और आपका क्या दोनों भी चीजें बन के हो गई हैं। आपको करना क्या है, ये सम्स ये करने के बाद आपको आपको जितना भी आपको मैंने वर्किंग नोट बताया उसको आप अच्छे से लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आनंद का जो सैलरी था उसको इंटू करके सैलरी वाला कर लो। आपके टेक्स्ट बुक में ये सम ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्योंकि चीजें देख के समझ में नहीं आती इसके लिए मैंने इसको आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आगे एक एक करके सारे के सारे प्रैक्टिकल सम्स कवर करेंगे अगले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में बस एक ही सम करते हैं, अगले लेक्चर में इससे कुछ अलग कुछ डिफरेंट पैटर्न में सम लेके आएंगे। तो प्लीज आगे के सम्स प्रैक्टिस कर लेना, आपको कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप टेलीग्राम लिंक पे जाके कोई भी क्वेरी होगा आप पूछ सकते हो, आपको पूरा रिप्लाई उसके ऊपर मिलेगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।